आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। गोला गोकरण नाथ के अंतर्गत मैलानी जंक्शन से शक्य परसों पूर्व मीटर गेट रेलवे लाइन के ब्रॉड गेज में आमान परिवर्तन के चलते ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, लेकिन आज दिनांक 9/11/2023 को मैलानी से पूरनपुर होते हुए शाहगढ़ तक के लिए अजय मिश्रा व उर्फ ट्रेनी रेल मंडल प्रबंधक आदित्य कुमार ने हरी झंडी दिखाकर शाहगढ़ के दुल्हन जैसी सजी इलेक्ट्रिक ट्रेन को रवाना किया, जिससे जनता खुशी का माहौल दिखाई दिया। अब यात्री कम किराए व कम समय में ट्रेन द्वारा सफर तय करेंगे। गृह मंत्री माह फरवरी तक इन्हीं ट्रेनों का संचालन पीलीभीत तक कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड मैलानी स्टेशन को और सुंदर व बेहतर बनाने के लिए 40 रुपए का बजट पास किया, जिससे मैलानी पर काफी सुंदर व बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। लखनऊ तक जाने ट्रेनों में बढ़ोतरी की जाएगी। सर्वप्रथम अजय मिश्रा और टेनी जी भवानी शंकर माहेश्वरी के एक प्रांगण में मुख्य अतिथि के रूप में तथा उनके पलिया विधायक रोमी साहनी, जिलाध्यक्ष सुनील सिंह व लोकेंद्र प्रताप सिंह भी मैलानी, जिनका कीर्ति माहेश्वरी व भवानी शंकर माहेश्वरी व गुरमीत कौर सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया। अजय मिश्र ने 3 दिव्यांगों को ट्राई साइकिलें भी प्रदान की। इस मौके पर काफी मात्रा में रेलवे अधिकारी व कर्मचारी तथा पूर्व चेयरमैन फूलमती रॉबर्ट विलियम सैमसन, प्रीति सैमसन, आशीष भगवत स्वरूप बाथम सहित तमाम कार्यकर्ता व गण मान्य नागरिक व नगर पंचायत कर्मी मौजूद रहे। हमारा मैलानी से पीलीभीत का काम थोड़ा प्रभावित था, लेकिन उस सब समस्याओं को भी दूर कर लिया गया है। शाहगढ़ तक अभी रेल लाइन प्रारंभ हो गई है और मुझे लगता है फरवरी तक हम लोग पीलीभीत तक भी रेल लाइन को जोड़ देंगे। उसके साथ साथ आपके स्टेशन को एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्राप्त हुई है। मैलानी जंक्शन का जीर्णोद्धार, जिसका रेनोवेशन बहुत अच्छा स्टेशन आपका बनेगा। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं जो यहाँ पर लगे हैं, बनने के बाद ये स्टेशन ऐसा दिखेगा। इसके लिए 17,75,00,000 रुपए आपके मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन को खूबसूरत और सुविधाजनक बनाने के लिए हम करने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों को लग रहा है फोटो किसी और का, ये फोटो आपके स्टेशन का है और ये जब बन के तैयार होगा तो ऐसा स्टेशन आपका बाहर से दिखेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, हमारे रेल मंत्री जी जो मार्गदर्शन में और गूगल ने इस काम को स्वीकार किया है। ऐसे ही हमने रैक पॉइंट भी बनाया है, लखीमपुर का रेलवे स्टेशन और ओला का रेलवे स्टेशन, उसको अभी हम अच्छे तरह से बना रहे हैं और ये सारे स्टेशन मार्च से पहले पहले इसी तरह के खूबसूरत रेलवे स्टेशन में बदल जाएंगे। बिल्कुल काम रह जाएगा, उसको हम मार्च के बाद पूरा करेंगे। रेल यात्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे रेल यात्रियों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं हम उपलब्ध करा सके। पहली बार सदन में खड़ा हुआ था तो तारीख थी 7 जुलाई 2014, जब मैंने एक प्रश्न पूछा था कि लखीमपुर जिले को ब्रॉड गेज से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा। उससे पहले एक मंत्री थे, रेल राज्य मंत्री को उद्घाटन वहां पर शिलान्यास कर रहे थे, रेल लाइन खोलने वाली। मेरे पास उत्तर आया कि ऐसा कोई भी योजना लखीमपुर जनपद के लिए नहीं। उस समय मैंने प्रधानमंत्री जी से, तत्कालीन रेल मंत्री से मिलकर के ये प्रयासों को प्रारंभ किया। 2014 के बाद पहली बार खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।